आप सब कैरियर से होंगे एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग. और आज डैनिका जो है वो 8 मंथ्स की हो गई है. और ये देखें जी, ऐसी होती है बेबी जो 8 मंथ्स की हो जाती है जी. आज डैनिका जो है वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही, बहुत डाउन फील कर रही है, क्योंकि शायद सुनने में आया है कि ये दांत निकाल रही है. क्योंकि मेरा तो फर्स्ट बेबी है, तो मुझे सब कह रहे हैं कि ये दांत निकाल रही होगी, इसीलिए इसकी हालत जो है वो ऐसी है. तो जी, ये मेरे बाजू से नहीं उतर रही और ये कह रही है कि सिर्फ मैंने अपनी मामा लेनी है और मैंने किसी के पास नहीं जाना. तो जी, देखती हूँ कि आज की जो मेरी जर्नी है पूरे दिन की वो कैसी रहती है. वैसे तो पूरा दिन नहीं, अभी तकरीबन दोपहर के 1 बज रहे हैं और हम पहले उठे थे 5 बजे. इसके बाबा जॉब पे गए, उसके बाद हम तकरीबन 10 बजे उठे और 10 बजे हम खाना चाना खा के डैनिका फिर से सो गई और मैंने थोड़ा सा अपना रूम क्लीन कर लिया, और जो कि बहुत अच्छी तरह अभी तक नहीं हुआ क्लीन, लेकिन थोड़ा बहुत कर लिया, क्योंकि बेड पे तो ये सोई हुई थी और ये अभी उठी है. तो अब देखते हैं नीचे जाके जो है हमारी क्या एक्टिविटी होती है. ओ मोमो की जान. चले जी, अब हम नीचे जाएंगे. ये है देखें जी, अम्मी ने सारी क्लीनिंग डन कर ली है और मैंने आज कोई काम नहीं किया, एक भी काम मैंने नहीं किया. ये है जी जेजरियल. हाय जेजरियल, हाय. हाय. ये देखें जी, ये जेजरियल है मेरी सिस्टर का बेटा और ये है डैनिका. और ये दोनों जो हैं वो लड़ते भी रहते हैं और खेलते भी हैं. ये बहुत अपनी छोटी बहना को मारता भी है और खेलता भी है, प्यार भी करता है. जैसे बहना सोनी है, सोनी है बहना. जी ये है इसका प्यार, सोनी प्यारी, सोनी प्यारी. तो चलें जी. अम्मी ने बर्तन तो धो दिए हैं, क्लीनिंग भी डन कर दी है. देखें ऐसी होती हैं माएँ. मेरी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और मेरी गोद से नहीं उतर रही थी, तो अम्मी ने जो है वो हमेशा की तरह खुद ही क्लीनिंग भी कर ली, बर्तन भी धो दिए. अब मैं कोशिश करूँगी, अगर ये मुझे अलाउ करे तो मैं सब्ज़ी वगैरह बना लूँ. तो लेट्स सी कौन सी आज सब्ज़ी हम बनाते हैं, देखते हैं कि क्या करते हैं. अब थोड़ी सी ये सेट हुई है क्योंकि इससे दोबारा सो लिया है ना. जी अम्मी, की सब्जी बनानी है. अम्मी आलू गोभी. हाँ, आलू गोभी जो है वो डैनिका के बाबा को नहीं पसंद, तो चलें आलू गोभी हम सबके लिए बना लेंगे, लेकिन डैनिका के डैडा के लिए हम लोग कुछ और बनाएंगे. ओए होए होए होए, ये देखे जी मेरे बालों के साथ कैसे खेल रहा है जी. चले हम अपना प्रोसेस जो है स्टार्ट करते हैं कुकिंग का. ये देखें जी. ये बच्चा पार्टी जो है वो खेलने में मसरूफ हो गए हैं और मैं सब्जी बनाती हूँ. आज जबकि हमने आलू गोभी बनानी है, तो मैं निकालने जा रही हूँ गोभी और मैं थोड़ी सी कटिंग करूँगी. और खैर, मैं आज पूरी कुकिंग का व्लॉग जो है वो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास और डैनिका की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बार बार जो है वो मेरे पास आने की कोशिश करेगी. तो मैं हल्की हल्की सी जो क्लिप्स हैं वो बीच में डालने की कोशिश कर. जी अभी मैंने गोभी अब थोड़ी सी काटी थी, काटना शुरू की थी, तो इस मैडम ने ज़रा शोर करना शुरू कर दिया कि मुझे पकड़ो. तो मेरी अम्मी ने कहा कि तुम इसे पकड़ लो, मैं गोभी बना लेती हूँ. देखें जी, माओ के होने का कितना फ़ायदा होता है. ये बात सारे बच्चों को जो है वो समझनी चाहिए कि माएँ जो हैं वो कितनी कीमती चीज़ हैं. वो हमारा नहीं बल्कि हमारे बच्चों तक का ख्याल रखती हैं कि बच्चे हमारे रोए ना. पहले वो हमारे रोने का ख्याल करती हैं, फिर हमारे बच्चों के रोने तक का भी ख्याल करती हैं. सो जी, तो अब हम ज़रा डैनिका के साथ टाइम स्पेंड करेंगे. डैनू इधर देखो, डैनू डैनू डैनू, पानी पीना, पानी पीना आपने. ये देखें जी,
जब जाने का पैदा हुई थी तो ये हमने डेकोरेशन की थी, तो अब तो ये सारी डेकोरेशन जो ऑलमोस्ट ख़राब होने वाली है, तो हम इसे उतारेंगे। ख़राब हो चुकी है, बस अब ये के टाइम है कि अब हम इसे उतारेंगे। तो देखें कब किस दिन हमें टाइम मिलता है कि हम इसे उतारें। मैंने गोभी काटनी शुरू की थी और डैनिका ने जो है वो शोर कर दिया था शुरू, तो फिर मैं ऊपर चली गई थी इसे थोड़ा एंटरटेन करने के लिए। उतनी देर में आते हुए देखो जी, अम्मी ने प्याज काट के गोभी काट के जो है वो डन करना शुरू कर दिया है सब कुछ। और मैं कोशिश करती हूँ कंटिन्यू करूँ इस सब्ज़ी को, लेकिन सारा काम तो अम्मी ने कर दिया, मैं क्या करूँ अब, ना होने के बराबर मैं काम करूँगी। आज का सारा काम जो है वो अम्मी ने किया, तो चलें देखें क्या बनता है। आज का सारा काम जो है अम्मी ने करना, मुझे कह रही हैं कि नहीं अपनी बच्ची को पकड़ो, रो रही है। छोटा जो बच्चा, यही छोटा जो बच्चा, ये छोटा बच्चा काम करता रहा है, दूसरा छोटा ये अबू के साथ लगा हुआ है। हमारे माँ बाप की जो ज़िंदगी है ना, अब बस बच्चे संभालने में और काम करने में रही है, और बच्चे जो है वो इतना तंग करते हैं। ये दो बच्चे हैं हमारे घर पे और ये चार बच्चों के बराबर जो है हमें तंग करते हैं। और ये जो है ना, ये तो ऐसे चिपकी रहती है और उतरती नहीं है। बुगू अब आप वहाँ देख रहे हो नानों को, हैं? अच्छा चल नीचे उतरो, डैनिका इनू दे दो, तुसी अबू इन दे दो, आप नीचे उतरो, थोड़ा सा खेल लो, ठीक है, थोड़ा सा खेल लो, हैं मिर्जान ये देखो नीचे बैठो, नीचे बैठो, और थोड़ी सी क्रॉलिंग कर लो, थोड़ी सी क्रॉलिंग कर लो, वेरी गुड। देखिए जी डैनिका क्रॉलिंग कर रही है। नहीं अबू मैं नहीं पीना, तुसी पी लो। ये देखे डैनिका जो है अभी इसने क्रॉलिंग करना स्टार्ट किया, तकरीबन कोई हफ्ता एक हो गया इसे क्रॉलिंग करते हुए, शायद दो हफ्ते होने वाले होंगे। तो अब ये जो है पूरे घर में घूम लेती है, लेकिन जब इसने रोम्पर ही पहना हो तो फिर इसे थोड़ी सी मुश्किल होती है क्रॉलिंग करने में। ये देखो जी दिवाली बेबी है मिली। अभी ये जो शानदार पी के आया, जिस बहनों का ध्यान रखो। ये देखें सुबह से इसके नाना ने इसे पकड़ा नहीं, अभी पकड़ा तो ये देखें मेरे पास आने की जिद कर रही है। नाना ने पकड़ना था ना बेटे, नहीं नाना ने पकड़ना है ना बेटे, नाना कह रहे मैंने पकड़ना है बेटी। जी ये हाल है जी हमारा, ये आप पीछे ये देख रहे हैं पेंटिंग, इस पेंटिंग का भी व्लॉग हमने बनाया है जब हम बना रहे थे ये। हाँ शाहरुन ने पेंटिंग बनाई है, बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग है ये शाहरुन ने बनाई है। और इस दिन मैं अपनी जो पेंटिंग मैंने बनाई है मैं उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगी। ये है तो ये देखिए जी हमने रिसाइकलिंग रखी हुई है, और कुछ और डिब्बे रखने थे हमने जो कि हम रखना भूल गए। अब देखें हाँ ये लेके जाते हैं या कि बाकी सिर्फ यही खाली करके लेके जाएंगे, क्योंकि पहले वो आते हैं जो डब्बे आसपास नीचे पड़े होते हैं वो लेके जाते हैं, और उसके बाद जो है वो आते हैं दोबारा ट्रक लेके, फिर ये बिन जो है वो खाली करके लेके जाते हैं। और हवा चल रही है तेज़, हवा में हल्की हल्की सी ठंडक है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि विंटर जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। कुछ दिन जो है वो सुबह में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती थी, और अब जो है सुबह में थोड़ी ठंड होती है लेकिन उतनी नहीं होती, और दिन भर जो है मौसम ऐसा रहता है। देखिए कितने प्यारे बादल हैं, अच्छी सी सीनरी बनी हुई है, बहुत
बहुत खूबसूरत सा मौसम है आज, और जैनिका बहुत खुश है बाहर। जैनिका कितनी खुश हो गई है बाहर आके। घर में तो ऐसे शोर कर रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया, और बाहर आके कितनी खुश हो गई है। जैनू जैनू इधर देखो, जैनू इधर देखो, मामा जानी अब मुझे कह रही मुझे छोड़ दो। ना बेटा आपको नहीं छोड़ना अभी बिल्कुल, मेरा तो बाजू ऑलमोस्ट टूटने वाला हुआ है, और ये बहन जी जो है ना मेरे पास से उतर नहीं रही। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ मैं। छोटे इधर बैठो, जाने का इधर बैठ जा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओ नो बेटे बचना मेरी जान, मामा थक गई है, मामा थक गई, मामा बहुत ज़्यादा थक गई है ना। जी अब डैनिका जो है वो कीवी खा रही है। डैनिका को कीवी जो है वो बहुत पसंद है, लेकिन आज ये उतने अच्छे तरीके से कीवी खा नहीं रही। बेटे डैनी डैनी बेटे, ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, खानी शुरू कर तो दी है अब इसने, देखें क्या करती है मेरी ये लड़की। यम वाव, रोटी बनाने लगी, मुझे काफ़ी भूख लग रही है। यहाँ मैंने तवा रख दिया है और जो है रोटी बनाने लगी हूँ। बाकी जब शाहरुन आएंगे तो उनके लिए मैंने सोचा है कि मैं अंडा पराठा बना लूँगी। शाहरुन को एग्स्टब पराठा जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो बनाऊँगी शाहरुन के लिए। अपने लिए मैं अभी रोटी बनाने लगी हूँ। ये है जी मेरी रोटी, ऐसी होती है रोटी। कैसी है मेरी बेटी देखें, जब तक काम वगैरह सारा होना था तो ये इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। और अम्मी ने सब्ज़ी बनाई, बर्तन धोए, सब कुछ डन किया, और अब ये मैडम जो है ये चुप करके यहाँ पे खेल रही है। मैं आपको ये देखें, देखें जी कैसे खेला जा रहा है। रोटी इसके हाथ में दी थी मैंने और ये इसने नीचे फेंक दी रोटी। ऐसे काम है हमारे। जैनिका के बाबा को मैंने कॉल करके पूछा है कि मैं उनके लिए आलू वाला पराठा बनाऊं या फिर एग्स्टफ पराठा, तो जो है मुझे तो वो कह रहे थे दोनों ही बना दो। तो मैंने कहा कि नहीं चलो मैं आलू वाला बना देती हूँ। तो अभी ये कि मैं आलू वाला पराठा बनाने लगी हूँ। इसके मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे क्योंकि कीवी खाते हुए इसने काफ़ी कपड़े जो है वो अपने गंदे कर लिए थे। तो अभी मैं इसे नीचे छोड़ूंगी क्योंकि ये क्रॉलिंग करेगी। इसका भाई चेजरियल जो है वो सो गया हुआ है, जब वो उठा हुआ होता है तो इसकी क्रॉलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये लड़ भी पड़ते हैं दोनों छोटू से। अभी लड़ते हैं तो बाद में पता नहीं इनका क्या होना है। चलो डैनी आप जो है ना आप थोड़ी सी क्रॉलिंग कर लो, आप क्रॉलिंग कर लो थोड़ी सी, और मामा जो है वो खाना बना ले बाबा के लिए, ठीक है बुबू। डैनी छोटू से छोटू जी, वेल आलू वाले पराठे के लिए मैं आलू बॉईल नहीं करूँगी, इन आलुओं को काट के जो है वो माइक्रोवेव में रख दूँगी तो ये डन हो जाएंगे पराठों के लिए, तो फिर मैं आलू वाले पराठे बनाऊँगी। जानिका के बाबा आ गए हैं और बस मेरे भी पराठे डन होने वाले हैं। मैंने सिर्फ जो है आलू, लाल मिर्च, नमक और चाट मसाला है। शाहरुन आ गए हैं जॉब से, अभी आए हैं। उजड़े कोजड़ी हालत है, क्या हाल है कहीं मेरे आलू की दाल पर हैं, रोज मेरे पास आने की कोशिश कर रही है। ये देखिए जी रोटी सी बेल के मैंने, और इसमें मैं आलू का जो है पेड़ा बना के इस तरीके से आलू का पेड़ा बना के, क्योंकि ज़्यादा आलू अच्छे लगते हैं आलू के पराठे में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आलू डालूँ, और इस तरीके से बंद कर कर खुशी हाँ ठीक है पोटली जैसी होती है ना वैसे बनाती हूँ। जैनिका अपने बाबा के साथ जो है वो अच्छी तरह मिल रही है कि जैसे ये पोटली हो गई, बन गई पोटली, और बस अब मैं इसे बेल दूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना है।
ये हैं जी मुहब्बतें बाप बेटी की। ओए 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 इधर आ जा। ओए 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 उसकी शक्ल देखो। ओए जो दूजी कितनी पालू है। ओए ओए जोनी जी पराठा हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए कितना मजेदार सा पराठा है। शारून आप खा के बताएंगे कैसा बना है पराठा? हाँ जरूर बिल्कुल। किस दिन खाओगे? जिस दिन ये ठंडा हो जाएंगे। एक जग दूध का भी ले आओ साथ। एक जग हाथ धोगी जग तुसी दूध ता पीना है। मैं कहनी हूं तुसी दो जग पियो। ले आओ ले आओ ले आओ। पक्की हो आके दो जग दूध का चैलेंज करना है आपने। किसी दिन वीडियो बनाते हैं और दो जग दूध का चैलेंज। अच्छा करोगे? लगा लो। लगाए ओके साथ। मैं कौन लगाएगा? तुम लगाओ। नहीं मैं दो जग दूध चैलेंज नहीं लगाऊंगी। अब्बू के लिए नहीं सही इतना ना मुझे लगता है। कौन अच्छा बंदा तैयार करो आपके साथ दो जग दूध का चैलेंज करे तो फिर हम एक चैलेंज वीडियो बनाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है हमें बोलते हैं तो दो। तो आपका क्या ख्याल है? खा खाल है। अच्छा आपका क्या ख्याल है हमें जो है वो चैलेंज वीडियो जो है वो बनानी चाहिए या नहीं तो हमें बताइए कमेंट में। और अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और आज का व्लॉग तो बिल्कुल जो हाउसवाइफ होती हैं उन पे था। ये कैसी जो है हाँ कमेंट भी करना कि काम तो मैंने कुछ किया नहीं है सारा काम मेरी मम्मी ने डन कर लिया। मैं बस डैनिका को घुमाते फिर रही थी। लेकिन हाँ बच्चे को भी जो है वो सारा टाइम पकड़ना जो है वो भी कोई आसान बात नहीं है। बाजू दर्द होना शुरू हो जाता है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। नहीं आपके पास तो आते ही वो रोना शुरू हो जाती थी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल कमेंट बिलो एंड लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।